मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कृत व्याकरण क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत। संस्कृत व्याकरण में आज हम का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय यस्य प्रयोग धातु नाम शब्द नाम व पश्चात क्रियते तत् प्रत्यय कथ्यते। हिंदी में सरल भाषा में अगर आप समझे तो प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। शब्द तो अपन जानते हैं लेकिन धातु का मतलब है जिसे अपन हिंदी में कहते हैं आपकी क्रिया, वही चीज आपको संस्कृत में कहलाती है धातु। तो वो शब्दांश जो आपकी क्रिया या फिर आप किसी शब्द के बाद में जुड़ के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रत्यय। ये तो हो गए आपके प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके कृत प्रत्यय और दूसरे होते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय आपके वो प्रत्यय होते हैं जो केवल धातुओं के साथ जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। कृत प्रत्यय जुड़ते हैं आपके केवल धातु के साथ और तद्धित प्रत्यय आपके वो प्रत्यय होते हैं जो शब्द के साथ जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। शब्द आपका संज्ञा शब्द हो सकता है, सर्वनाम शब्द हो सकता है, विशेष शब्द भी हो सकता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्यय के जो दो प्रत्यय आपके कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, उसमें कृत प्रत्यय जुड़ता है आपका धातुओं के साथ और तद्धित प्रत्यय जुड़ता है आपका शब्दों के साथ। अब हम शुरुआत करेंगे आपके प्रत्यय के पहले भेद से कृत प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय में जितने प्रत्यय आपके सिलेबस के अंदर है उन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो कृत प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय लेंगे अपन कत्वा प्रत्यय। प्रत्यय का नाम है आपके कत्वा प्रत्यय। अब किसी भी आपकी धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ता है, जुड़ा हुआ है, यह अपन किससे पता चलता है कि धातु के अंत में आपको जुड़ाव मिल जाएगा या तो तुआ या फिर ये भाग तुआ। अब आपके सामने ये प्रश्न हो जाता है कि भाई तुआ किसके साथ जुड़ेगा और तुआ किसके साथ जुड़ेगा, तो बहुत आसान है इसको याद रखना भी। आपकी वो धातु है जिनके अंत में आपको क्या दे रखा होगा, चंद्र वाला शय या फिर षटकोण वाला शय। आपकी केवल वो धातु है जिनके अंत में दे रखा है आपको शलगम वाला शय या षटकोण वाला शय, उनके साथ हमेशा ट वाला भाग जुड़ेगा। इस प्रत्यय में नहीं आदि प्रत्ययों में भी ट वाला भाग उन्हीं आपकी धातुओं के साथ जुड़ेगा जिनके अंत में आपको शलगम वाला शय या षटकोण वाला शय दे रखा होगा। इसके अलावा आपकी जितनी धातुएं उन सभी के साथ आपके त वाला भाग जुड़ेगा यानी कि तुआ। और इसमें भी क्या होता है आपके शलगम वाले से षटकोण वाले शब्द में यहाँ पे आपके इष्टुक संधि का नियम लग जाता है, तो उसी कारण क्या होता है कि अगर आपको शलगम वाला शब्द दे रखा है तो वो किसमें बदल जाता है आपके षटकोण वाले शब्द। अगर षटकोण वाला शब्द है तो कोई परिवर्तन नहीं है, वो तो वही रहेगा, लेकिन अगर शलगम वाला शब्द दे रखा है तो इष्टुत्व संधि के नियम के कारण वो बदल जाता है आपके शलगम षटकोण वाले शब्द। ये आपको ध्यान में रखना है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है आपको क्रिया करके अर्थ में, पठित्वा तो पढ़ करके, गत्वा जा करके, खादित्वा खा करके, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अभी जुड़ते किस तरह से वो अपन सीखेंगे। देखिए आपसे कहने के पठ धातु के साथ कत्वा प्रत्यय को जोड़ करके एक पद बनाए, इसका मतलब पठ के साथ क्या जोड़ना है आपको, या तो त्वा जोड़ना है या फिर त्वा जोड़ना है। अब मैं आपको पहले बता चुकी कि जो ये आपका ट वाला भाग है ये केवल उन धातुओं के साथ जुड़ेगा जिनके अंत में आपको शलगम वाला शय षटकोण वाला शय दे रखा है। यहाँ पे आपको दोनों ही नहीं दे रखे, इसका मतलब सब कौन सा भाग जुड़ेगा आपके, त वाला भाग जुड़ेगा त्वा, तो पठ के साथ जुड़ेगा आपके त्वा। अब धातु के अंत वाला व्यंजन जो है ये अधूरा है, इसके हलंत लगा हुआ ना, इसका मतलब ये अधूरा है। अधूरे का मतलब इसके साथ कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसके आगे कोई एक स्वर होना चाहिए ताकि स्वर के साथ मिलकर के पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपको इसके बाद क्या देखा है, एक और व्यंजन दे रखा है, स्वर नहीं दे रखा, जबकि इसको पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है, स्वर की। तो ऐसे में संस्कृत व्याकरण में नियम है कि इट का आगम हो जाता है, क्या हो जाता है, इट का आगम। आगम कहते हैं आना, कौन आ जाता है, इट। इट का मतलब छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा आके आपके अधूरे व्यंजन को पूरा करेगी, उसका जुड़ जाएगी और ये पद क्या बन जाएगा आपका, पठित्वा, जिसका अर्थ होगा आपका पढ़कर। अभी अपन ने धातु ले लिया आपकी दृश्य, कत्वा प्रत्यय जोड़ना है आपको, तो देखिए दृश्य के अंत में आपको दे रखा है शलगम वाला शय, तो शलगम वाला शय षटकोण वाला शय होने पर हमेशा ट वाला भाग जुड़ेगा और जो आपका शलगम वाला शय है इष्टुत्व संधि के नाम का वो जाएगा आपके षटकोण वाले शय।
और ये पद बन जाएगा आपका दृष्टवा। अब आप गम धातु के साथ कर्ता प्रत्यय जोड़ करके पद बनाएंगे, तो गम के साथ जोड़ेंगे आप तो आप, ठीक है। अभी आपका अधूरा व्यंजन है, इसके आगे आपको स्वर नहीं दे रखा, तो होना क्या चाहिए था कि इक का आगम होता, उसके साथ जुड़ करके और पद बन जाता आपका गमित हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संक्षिप्त व्याकरण में जो आपकी गम धातु है ये अपवाद की धातु कहलाती है। अपवाद यानी जो सीधे सीधे नियमों का पालन नहीं करता। अपने नियम बना रखा है कि अधूरा व्यंजन के आगे अगर स्वर नहीं दे रखा तो इक का आगम होगा, लेकिन ये क्योंकि अपवाद की धातु है ये इस नियम का पालन नहीं करती। हर प्रत्यय के साथ ही अलग अलग नियम का पालन करेगी, इसको आप अलग अलग याद रखना, क्योंकि बहुत ही सबसे ज्यादा प्रमुख धातु है संस्कृत व्याकरण। अब यहाँ पे इक का आगम नहीं होने देती, बल्कि क्या करती है, जो इसका अधूरा व्यंजन है उसको ये गायब कर देती है, उसका लोप कर देती है। तो पद क्या बन जाता है आपका जाकर के। इस तरह से हमने पठ दृष्ट और दम के साथ आपके ये पद जोड़े हैं, कर्ता प्रत्यय। पद बन गए आपके पठितवा, दृष्टवा और गतवा। आगे भी हम आपके प्रत्यय को इसी तरह आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।